हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जो है नेशनलिज्म इन यूरोप। और मेरी ये वीडियो तीन भागों में डिवाइड रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बात करूँगा नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है और कैसे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्प्रेड होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण रहते हैं। ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें मैं आपको दूंगा। दूसरी वीडियो जो कि मिस्टर दिनेश आपके सामने लेके आएंगे, वो रहेगी व्हाट इज़ नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट क्या है और नेशनलिज्म क्या है, उसके ऊपर अपनी समझ को वो रखेंगे। और तीसरी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म पर। नेशनलिज्म की जितनी भी रेलिवेंट थ्योरी है, लाइक अर्नेस्ट गैलनर की थ्योरी है, बेनेडिक्ट एंडरसन की थ्योरी, हेक्टर की थ्योरी, एंथनी डी स्मिथ की थ्योरी और पार्थ चटर्जी की नेशनलिज्म की थ्योरी, उसको आपके सामने रखा जाएगा। बिकॉज इन थिंकर से हमेशा नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दोस्तों, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है ये 1848 से मानी जाती है। 1848 यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत, स्प्रिंग ऑफ नेशन 1848 से होती है। स्प्रिंग ऑफ नेशन। अब दोस्तों, जो ये स्प्रिंग ऑफ नेशन है, इस ईयर को ईयर ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। 1848 को ईयर ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इस स्प्रिंग ऑफ नेशन के अंदर हुआ क्या था, जो आपके उस टाइम के ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर था, उसके खिलाफ क्या है, बहुत सी कंट्रीज़ ने, जो कंट्री उनके साथ जुड़ी हुई थी उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन कंट्री में आपके जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि कंट्रीज थी। तो बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हुई वो होती है 1848 से। लेकिन यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की एक लंबी हिस्ट्री है। आपको पता होगा मैक्यावली, जो आपके मैक्यावली है, मैक्यावली को फादर ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट कहा जाता है, या राष्ट्रवाद का जनक भी, राष्ट्रीय राज्य का जनक भी मैक्यावली को बोला जाता है। हालांकि मैक्यावली के टाइम से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति वहां पे शुरू हो गई थी। तो एक बैकग्राउंड यहां पे हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति यूरोप के अंदर कैसे हुई। तो सबसे पहले जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके दिमाग में कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अब राष्ट्रवाद की सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन राष्ट्रवाद एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये कोई मटेरियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लोगों की भावनाएं राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी होती है, लोगों की साइकोलॉजी राष्ट्र के साथ जुड़ी होती है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपनी भूमि, अपनी जाति, अपने धर्म या अपनी कम्युनिटी के प्रति प्रेम। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, दलित राष्ट्रवाद, इस तरीके के शब्द हमेशा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या होता है, अपनी कौम के प्रति हमारी जो हमारे भाव होते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एकदम नहीं आ सकता। ये जो फीलिंग्स है राष्ट्र के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, ये एकदम तो नहीं आएगी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, कौन कौन से वो फैक्टर है जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, तो इसमें मेनली दो कारण माने जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के। पहला कारण जो आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजी पहला कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का माना जाता है आइडियोलॉजी। ठीक है, और दूसरा कारण माना जाता है इवेंट।
इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए, क्रांति हुई, घटनाएं हुई, रिवोल्यूशन हुए, तो सबसे पहला कारण क्या है राष्ट्रवाद का यूरोप में, वो है आइडियोलॉजी, और दूसरा है इवेंट्स, डिफरेंट जो क्रांतियां घटनाएं हुई उसके कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। आइडियोलॉजी के अंदर मेनली लिबरलिज्म, ठीक है, फर्स्ट जो कारण है वो है लिबरलिज्म, दूसरा कारण है आइडियलिज्म, और तीसरा कारण जो माना जाता है और जो मेन कारण है वो है रिनेंसा, रिनेंसा यानी पुनर्जागरण। तो तीन कारण माने जाते हैं यूरोप के अंदर आइडियोलॉजिकल कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के कारण कैसे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है यूरोप के अंदर। अब लिबरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, लिबरलिज्म लिबर्टी के ऊपर फोकस करता था, और लिबरलिज्म की शुरुआत, फादर ऑफ लिबरलिज्म आपको पता है जॉन लॉक, जॉन लॉक से शुरू होता है लिबरलिज्म, और इन्होंने व्यक्ति के लिबर्टी की बात की, स्वतंत्रता की बात की, विचार और अभिव्यक्ति की बात की। जॉन लॉक के साथ आपने देखा होगा रूसो, रूसो ने भी राष्ट्र राज्य की बात की है, रूसो के बाद बेंथम, बेंथम के बाद मिल, मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। विचार और अभिव्यक्ति एक समुदाय के अंदर जब आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली आप एक नेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट मानोगे। और मिल के बाद ग्रीन, ये सारे के सारे लिबरलिस्ट थिंकर हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अपना इनपुट दिया है, अपना योगदान दिया है। तो लिबरलिज्म में जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मिल और ग्रीन, ये मेनली माने जाते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैकियावेली राष्ट्र राज्य राज्य का आप बोल सकते अग्रदूत था मैकियावेली, लेकिन ये लिबरलिज्म की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद आता है आपका आइडियलिज्म, आइडियलिज्म यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का दूसरा कारण माना जाता है आइडियलिज्म, और मेनली हीगल का आइडियलिज्म, हीगल का आइडियलिज्म यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। अब आपको पता है हीगल एक जर्मनी का महान दार्शनिक था, और हीगल ने क्या किया, हीगल ने जर्मन को महान राज्य बताया, जर्मनी को एक महान राज्य बताया, जर्मनी को एक ऐसा राज्य बताया जहां पर ईश्वर द्वारा सत्ता चलाई जाएगी। मींस जो राजा है, राजा क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अब जब राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है तो राजा की अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता, राजा की बात तो माननी पड़ेगी, भगवान को तो कोई भी नहीं डिक्लाइन कर सकता है या फिर उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब लोग भगवान की बात मानेंगे तो उसमें आस्था बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी तो वहाँ पर ग्लोरियस जो आपका इतिहास है उसको भी सामने रखा जाएगा। और आदर्शवाद में बहुत सारे हीगल ने आदर्शवाद में बहुत सारे ऐसे फैक्ट रखे थे कि व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति विद्रोह नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक सुप्रीम संस्था है और ये इवोल्व होकर हमारे सामने आई है। तो आदर्शवाद ने एक मॉरल वैल्यू सेट कर दी कि हमें राज्य का सम्मान करना ही है और राज्य ही सर्वोच्च संस्था है, जिसके कारण क्या है, जर्मनी के लोगों को जर्मनी के ऊपर क्या है, प्राउड होने लगा कि हम जर्मन हैं। अपने ऊपर जैसे जैसे उनको प्राउड होने लगा वैसे वैसे जर्मन राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है यूरोप के अंदर। ठीक है, आइडियलिज्म में और भी बहुत से चिंतक हैं लेकिन इसके अंदर हीगल को मेनली रखा गया है। रिनेंसा आपको पता है, रिनेंसा, रिनेंसा जो है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने देखा होगा मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कैथोलिक धर्म, अपने ईसाई धर्म के दो सेक्टों के बारे में सुना होगा, दो सेक्ट्स उसमें है, पहला है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म जो था, कैथोलिक धर्म था रूढ़िवादी, कैथोलिक जो धर्म था रूढ़िवादी, वो पूरी की पूरी परंपराओं को मानता था, रूढ़िवादी परंपराओं को मानता था। और कैथोलिक धर्म का मानना था कि जो पोप आपका होता है, चर्च का फादर होता है, वही ईसाई ग्रंथों को पढ़ सकता है, बाइबल को पढ़ सकता है और वही मुक्ति का एक मार्ग है। मार्टिन लूथर ने उसको बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने बोला कि हर कोई भगवान
तक पहुंच सकता है। भगवान तक जाने का रास्ता पोप नहीं है। हर कोई एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल जो किताब पढ़ सकता है वो बाइबल भी पढ़ सकता है और भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ, कैथोलिक धर्म में फूट पड़ गई और प्रोटेस्टेंट धर्म हमारे सामने आता है और प्रोटेस्टेंट धर्म बहुत ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लोगों ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, बाइबल को पढ़ने से क्या हुआ, लोगों के अंदर चेतना जागी, लोगों को धर्म के अंदर की रूढ़ियों का पता लगने लगा और उसके कारण क्या है, रेनेंसे के कारण क्या है, धार्मिक जो है आपकी रिलीजियस पहचान सामने आने लगी। यूरोप के अंदर रिलीजियस पहचान सामने आने लगी कि आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन के अंदर आप प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, आप ज्यूश है, आप आर्यन है। तो इस तरीके से क्या है, रिलीजियस जो जागरूकता का स्प्रेड वहाँ पे बढ़ने लगा और जैसे जैसे ये स्प्रेड बढ़ने लगा तो लोग अपने धर्म को सुपीरियर मानने लगे और धार्मिक राष्ट्रवाद, रिलीजियस जो नेशनलिज्म है उसकी उत्पत्ति यूरोप के अंदर होने लगी। तो ये तीन कारण थे जो आइडियोलॉजिकल बेस पर होते हैं। अब बात करते हैं इवेंट्स की, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला इवेंट था 1789 की फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांस की क्रांति में आपको पता है रूसो जो एक महान दार्शनिक थे फ्रांस के, रूसो ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूसो के जो आइडिया थे वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने इतिहास पर गर्व करने के लिए कहा, उन्होंने बोला कि हमारा जो इतिहास था वो गौरवशाली था, गोल्डन एरा उन्होंने इतिहास को माना था और हमें अपने इतिहास पर प्राउड करना चाहिए। तो इतिहास पर जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उन्हें अपने रेस का पता लगा, उन्हें अपनी एथनिसिटी का पता लगने लगा, वैसे वैसे लोग एकत्रित होने लगे और उनके अंदर समुदाय की भावना आने लगी। ठीक है, और फ्रांस की जो रेवोल्यूशन 1789 है ये तीन आदर्शों पर चलती थी। तीन आदर्श थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये जो तीनों आदर्श है, ये तीनों आदर्श लिबरलिज्म के आदर्श माने जाते हैं। और इसके द्वारा क्या हुआ, लिबर्टी के लिए लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया। बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद की जो लहर दौड़ने लगी और बहुत से देश फ्रांस के बाद, जैसे आपका ग्रीस हो गया, ओटोमन एम्पायर से अलग होने की कोशिश की, क्रोशिया, बेल्जियम, ग्रेटर पोलैंड, आपके इटली, जर्मनी, इन सब लोगों ने क्या है, लिबर्टी की मांग शुरू कर दी 1789 के बाद। इक्वालिटी के लिए संघर्ष होने लगा कि अगर हम जैसे अमेरिका के अंदर आप देखो, अमेरिका के अंदर रेशियल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, काले गोरे लोगों का भेद था, तो उन लोगों ने भी वहाँ पे क्रांतियाँ शुरू कर दी थी कि हमें इक्वालिटी की ज़रूरत है, फ्रेटर्निटी की ज़रूरत है, जिसे आप बोल सकते हैं फ्रेटर्निटी, भाईवाद बोल सकते हैं, या विश्व बंधुत्व इसको आप बोल सकते हैं, उसके लिए लोगों ने मांग शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये पहला इवेंट था जिसने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को बहुत ज़्यादा हवा दी थी यूरोप के अंदर। दूसरा जो इवेंट था वो था 1797। अब ये मैं 1848 से पहले की हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, स्प्रिंग ऑफ नेशन से पहले की। ठीक है, 1797 में क्या होता है, 1797 में नेपोलियन आपको पता है, महान योद्धा जिसने इटली का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया था, तो नेपोलियन ने क्या किया, सिस्टर रिपब्लिक्स इटली का निर्माण किया 1779। सिस्टर रिपब्लिक इटली का निर्माण, ठीक है, इससे क्या हुआ, इटली का एकीकरण शुरू हो गया और इटली के लोगों में जागरूकता शुरू हो गई। उसके बाद दूसरा जो इसमें इवेंट माना जाता है वो है 1804 से लेके 1815 में सर्बिया का रेवोल्यूशन, सर्बिया का ओटोमन एम्पायर के खिलाफ रेवोल्यूशन। सर्बिया ने भी वहाँ पे इक्वालिटी और लिबर्टी की मांग की और उन्होंने ओटोमन एम्पायर के प्रति विद्रोह किया। उसके बाद तीसरा इवेंट 1814 का इवेंट है, जब नॉर्वे ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई शुरू की, आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी नॉर्वे ने।
तीसरा इवेंट माना जाता है 1821 से 1829 का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रीस आपका राज्य था, ग्रीस ने आज़ादी की मांग ओटोमन से की और ओटोमन के खिलाफ ग्रीस ने अपना विद्रोह शुरू किया और ये 1821 से लेके 1829 तक चलता है। और इसके एक साल बाद 1830 के अंदर क्रोशिया में भी रिवॉल्यूशन हो जाता है और क्रोशिया ने भी आज़ादी के लिए अपनी मांग उठाई और वहाँ पे नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा। 1831 के एक साल बाद, वैसे तो बहुत छोटे मोटे इवेंट हुए हैं लेकिन मेन इवेंट आपको मैं बता रहा हूँ, 1831 में क्या होता है, बेल्जियन रेवोल्यूशन होती है, बेल्जियम के अंदर बेल्जियन रेवोल्यूशन होती है और बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के साथ आपका पोलैंड लिथुआनिया ग्रीस ये सारे के सारे जो देश है, छोटे मोटे जो वहाँ पे देश थे, कुछ पोलैंड के अंदर थे, कुछ रशियन एम्पायर के अंदर थे, इन्होंने भी विद्रोह वहाँ पे शुरू कर दिया और राष्ट्रवाद की लहर वहाँ पे दौड़ गई। तो मेनली ये इवेंट थे 1846 तक। 1846 में मेनली क्या हुआ था, 1846 में जो ग्रेटर पोलैंड था, ग्रेटर पोलैंड में विद्रोह शुरू हो गया ओटोमन एम्पायर के प्रति और उसने आज़ादी की मांग वहाँ पे उठाई 1846 में। और 1848 का तो आपको पता ही है, स्प्रिंग ऑफ नेशन 1848 में होता है, स्प्रिंग ऑफ नेशन 1848 में होता है और उसमें पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन होने लगे, विद्रोह होने लगे और ओटोमन और रशियन एम्पायर को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं थिंकर्स की, कि कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड थे इन आंदोलनों के साथ, इन राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ। तो वैसे बहुत सारे थिंकर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, मेन थिंकर में आपको दो तीन थिंकर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है ग्यूपे मेजिनी को, GIUSEPPE ग्यूपे मेजिनी, MAZZINE, ये है इटली के एकीकरण के साथ जुड़े हुए हैं ग्यूपे मेजिनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपने विचार दिए। दूसरे थिंकर जो है जर्मनी के एकीकरण के साथ जुड़े हैं, वैसे जर्मनी और इटली के एकीकरण के साथ भी ये इनको माना जाता है, ये है बिस्मार्क का नाम आप सभी ने सुना होगा। बिस्मार्क ये भी इटली और जर्मनी के एकीकरण के साथ जुड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं रूसो की, रूसो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हैं, फ्रांस के एकीकरण के साथ जुड़े हैं। हीगल जर्मनी के एकीकरण और जर्मनी के आप बोल सकते आंदोलन और जर्मनी को एक विशिष्ट दर्जा देने के साथ हीगल का नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से थिंकर हैं, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। जब हम नेशनलिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, उसके अंदर जो बाकी के बचे हुए फैक्टर्स हैं उसको हम बताएंगे। यूरोप के अंदर और इंडिया के अंदर भी कुछ फैक्टर रहे हैं नेशनलिज्म के, उसको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, कि कौन कौन से वो एलिमेंट थे जिनके कारण नेशनलिज्म का स्प्रेड होता है यूरोप के अंदर। तो बहुत सारे एलिमेंट है, सभी को पता है कौन कौन से एलिमेंट राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट माना जाता है रेशियल एलिमेंट। रेशियल एलिमेंट से क्या मतलब होता है, जो रेस होती है, जो जाति होती है, रेस में क्या होता है, रेस में एक चीज़ होती है बायोलॉजी। रेस के अंदर क्या है, बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक ही पिता की संतान एक ही रेस कहलाएगी। अब अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, इंडिया क्या वर्ल्ड के संदर्भ में बात करें, तो होमोसेपियंस एक प्रजाति है, होमोसेपियंस जो कि मनुष्य की प्रजाति मानी जाती है, लेकिन उसको आगे कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो बायोलॉजी के आधार पे है। तो रेशियल कारण सबसे पहला कारण माना गया इंटीग्रेशन का, नेशनलिज्म का। कुछ लोग थे गोरे लोगों की अपनी एक रेशियल आइडेंटिटी
थी, काले लोगों की अपनी आइडेंटिटी थी, ठीक है, ट्राइबल लोगों की अपनी आइडेंटिटी थी। इस तरीके से क्या है, लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और उनका संगठन बढ़ने लगा और नेशनलिज्म की भावना रेशियल आधार पर वहाँ पे स्प्रेड होने लगी। दूसरा कारण माना जाता है एथनिक कारण, एथनिक कारण, एथनिक को बोला जाता है सहजातीय, सहजातीय कारण में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप एक ही भूभाग पर रहते हैं, लाइक तिब्बतन लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी एथनिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी आप कैसे पहचान सकते हैं, उनके शरीर के ढांचे से पहचान सकते हैं, नाक की बनावट, कान की, चेहरे की बनावट, एथनिक, ट्राइबल की अपनी एथनिक आइडेंटिटी होती है, ट्राइबल जो होते हैं उनका वेशभूषा पहनावा अलग होता है, तो वो उस आधार पर वहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो कारण यूरोप के अंदर माना गया वो माना गया लैंग्वेज, लैंग्वेज एक मेन कारण है। इटली, जर्मनी, फ्रेंच, ये सारे इनके एकीकरण का, तो यूरोप में लैंग्वेज बहुत बड़ा कारण माना जाता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और स्प्रेड का। फॉर एग्जांपल जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, फ्रांस के लोग थे, वो इस आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े, इस तरीके से उन्होंने नेशन से कनेक्टेड पाया कि हम तो फ्रेंच बोलते हैं। रशियन, जो रशिया के लोग थे वो रशियन बोलते हैं, जर्मन के लोग जर्मनी के लोग जर्मन बोलते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश लोग, पर्शियन लोग, ये सारे लोग लैंग्वेज के आधार पर एकत्रित हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए और एक अलग राष्ट्र इन्होंने अपना बनाया। उसके बाद तीसरा कारण जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वो है रिलीजन। रिलीजन एक मेन एलिमेंट रहा यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का। इसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, लाइक आर्यन लोग थे, आर्यन लोगों ने जिन्होंने ज्यूश के ऊपर अत्याचार किए, आर्यन जो आप हिटलर को भी एक ले सकते हैं, ज्यूश, आपके क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के अंदर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस्लाम, इस तरीके के धर्म जो यूरोप के अंदर थे उन्होंने धर्म के आधार पर अपने आप को संगठित किया और एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को संगठित किया। लास्ट एलिमेंट, वैसे बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन लास्ट एलिमेंट जो कि प्राइड है, लोग अपनी हिस्ट्री के ऊपर प्राइड प्राउड करते थे कि हम, हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का, इंग्लिश लोगों की अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने राजतंत्र को आज तक वहाँ पे अपनाया है बिकॉज वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं, प्राउड करते हैं, ठीक है। डायनेस्टी जो रही है बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टी यूरोप के अंदर रही है तो लोग उनके ऊपर प्राउड करते थे, तो लोग इस प्राइड के कारण भी एकत्रित हुए, हिस्ट्री के कारण भी एकत्रित हुए और नेशनलिज्म का स्प्रेड यूरोप के अंदर हुआ। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आपका यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का स्प्रेड कैसे होता है। अगली वीडियो में ब्रीफली हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है, नेशनलिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म को हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।